हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? यार मैं जानता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि टॉप फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करने वाले। फंडामेंटल वाला काम मैंने कर दिया है आपके सामने, टेक्निकल वाला काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट मैं आपको एक बार जरूर बोलूँगा, अपने एंड पे भी फंडामेंटल एनालिसिस करके देख लेना। तो ये गाइज, ये जो दो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स हैं, इनकी यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ठीक है। सो इसलिए अभी इनको बाय मत करना। जिनकी बातें ज़्यादा होती हैं उनके अंदर फॉल आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टॉक जो है गाइज हमारा है अमृतंजन हेल्थ, ठीक है। तो ये गाइज जो है ना हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में काम करती है, जैसे कि हेड एच वगैरह होता है, हमारे सर में दर्द होता है, तो उनके बाम वगैरह बनाती है ये गाइज, ठीक है। तो अगर हम देखें ये लिस्ट कब हुआ था, तो इसके लिए हमें मंथली चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो उससे पता लगेगा कि ये लिस्टिंग कब हुई थी इसकी। तो एक बार हम मंथली चार्ट पे चलते हैं फटाफट से दोस्तों, ठीक है ट्रेडर्स। तो एक बार आ जाते हैं हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर। तो हम मंथली चार्ट पे आ गए हैं, अगर यहाँ पर देखो तो आपको पता लगेगा ये 2010 के करीब लिस्ट हुआ था ये, देखो ठीक है। तो नवंबर में हुआ था 2009 के अंदर, उसके बाद से गई थोड़ा सा साइडवे रहा था 14 तक। उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, अगर आप ये देख पा रहे हो ये ब्रेकआउट लाइन है, ठीक है। एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ गाइस, टाइम लगेगा क्योंकि मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ से जब ये भी ये ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा, और सिमिलर सिचुएशन गाइस आज बन रही है इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस इसे छोड़ना मत, जो लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देख रहे हो क्या मतलब बना करके दिया है भाई, पैसा बना करके दिया है, क्या पैसा बनाया है, ठीक है। तो ये देखो सिमिलर कैसे है, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मंथली पे था, ठीक है, बट अगर आप वीकली पे देखो तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। देखो समझ आ रहा है वीकली पे गई सिमिलर पैटर्न समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम डेली पे देखो तो आपको और समझ आएगा गाइस। एक बार हम इसे ये देखो, देख पा रहे हो इस चीज़ को गाइस, इस चीज़ को देखो, पूरे इस चीज़ को, इस पैटर्न को देखो। एक बार मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक और लाइन, तो आपको काफ़ी अच्छे से और क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये देख रहे हो एक बॉक्स ब्रेकआउट हुआ है ये, और जब भी बॉक्स ब्रेकआउट होता है तो एक लर्निंग याद रखना गाइस, जब भी इस तरीके का कुछ मूव आता है ना, पैराबोलिक सा मूव, तो मार्केट रीटेस्ट करने जरूर आता है ब्रेकआउट लाइन को, और ये होता है जहां से हमें एंट्री लेनी चाहिए, सेफ एंट्री। अगर यहां पर इसने टाइम स्पेंड किया और कुछ अच्छा पैटर्न बना, और ऐसे भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो इस लेवल पे हम ले सकते हैं, ठीक है, और हम इसे 3-4 साल के लिए भूल सकते हैं। तो इसका 800 का लेवल काफ़ी अच्छा है ट्रेडर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस सेकंड स्टॉक्स के बारे में हम जाने से पहले मैं बता दूं, मुझे उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता है अच्छे से, ठीक है गाइस। तो मैं उसे बोलूँगा सेकंड स्टॉक, ठीक है। तो हम आ गए सेकंड स्टॉक के ऊपर, इसका भी सिमिलर पैटर्न है गाइस। मैं जनरली क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको एक तरीके की चीज़ें सिखाई जाए ताकि वो मास्टर हो जाए पहले, देन फिर सेकंड पे मूव करें। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की क्लास भी समझ लो इसे, ठीक है। तो अगर आप ये देखो यार इसे क्या बोलते हैं, एसराइसील समझ लो, ठीक है, मैं इसे यही बोलता हूँ, ठीक है गाइस। तो सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम लोग इंडिया में रहते हैं सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो चलते हैं मंथली चार्ट पे। अगर हम देखें इसे तो ये हाल में लिस्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे देख पाओ तो ये 2021 में ही लिस्ट हुआ, वो भी जनवरी में गाइस, 1 जनवरी को, और उसके बाद से इसने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये नया स्टॉक है। जनरली फंडामेंटली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना गाइस हम क्या करते हैं ना, उसकी 11 साल का साइकिल देखते हैं, ठीक है, अगर हमें जनरली सेफ में जाना है। बट अगर हमें बैट खेलना है ना गाइस, अगर मल्टी बैगर ढूंढना है ना, तो यार शुरुआत तो करनी पड़ेगी गाइस पैनी स्टॉक से भी। बट ये पैनी स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास 11 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसका चार्ट्स नहीं है, बट फिर भी इसको अगर हम देखें एक बार वीकली चार्ट पे, तो क्या ये सिमिलर पैटर्न बना रहा है क्या, देखते हैं एक बार, क्या आपको लगता है बन रहा है क्या? जी हाँ, अगर आप ये देखो तो कुछ वैसा ही पैटर्न है यहाँ पर। डेली पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों, तो डेली पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेली चार्ट पे देखो, एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको आपके साथ ही बताऊँ, एक मिनट गाइस, ये सारे हटा देते हैं हम एक बार, फिर मैं आपके साथ ही फिर से समझा दूंगा आपको। तो ये देखो, ठीक है, तो काफ़ी इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और फाइनली गाइस सिमिलर ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हो सिमिलर ब्रेकआउट, सेम पैटर्न, ठीक है। तो गाइस क्या करना है हमें, सिमिलर जैसे कि वेट करना होता है किसी भी ब्रेकआउट के बाद, एक चीज़ गांठ बांध लेना, और याद रखना गाइस ये जब मैं सीख रहा था तो मेरे को भी बहुत अच्छे से बताया गया था कि याद कर लेना कि अगर कोई भी ब्रेकआउट आता है और उसे सस्टेन करना है इतना लंबा, तो उसे यहाँ से गिर करके उठना होगा,
ठीक है, तो ये याद रखना गाइस, ये सिमिलर याद रखना, जैसे इंसान को गिर करके उठना होता है ना, तो वैसे इसको भी गिरना पड़ेगा गाइस, ऐसे ये भागता नहीं रह सकता। सो गाइस ये दो स्टॉक्स मैंने बताए, एक बार फंडामेंटली अपने एंड पे भी देख लेना, और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियो मौजूद है, सो इसलिए मैंने सोचा कि बनाना सही नहीं है सेम टॉपिक पे। तो गाइस आई होप आप सभी को पसंद आया, आई होप क्या, मैं जानता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आया, तो आप इनके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। ठीक है, तो मैं एक यार इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूं, बस मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पर लूंगा अगर आएगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर दोस्तों, और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए भी इनको देख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना, बट मैं कहूंगा कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से चलें, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर अगेन, एंड थैंक यू फॉर 300+ सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।